कई लोग कई तरह की शिक्षाएं लेते हैं। किसी का हिंदी मीडियम में होता है, किसी का मराठी में होता है, किसी का अंग्रेजी में होता है, किसी का वर्नैकुलर में होता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कभी हमने ये सोचा नहीं कि हम जहाँ से आते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, लेकिन बड़े शहरों में धमाल करते हैं। उसमें से MS धोनी है। और MS धोनी से याद आया कि सुशांत सिंह राजपूत, ये भी एक छोटे गांव, यूपी के छोटे गांव से आते हैं। ऐसे छोटे गांव की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं और ये कहानियों में आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी से कुछ सीख सकते हैं और जीवन कुछ सिखाता है, तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली के अलावा भी बहुत कुछ है जो सिखाता है, जिसे हम अनुभव कहते हैं। उस अनुभव के तहत आज मेरी एक कहानी है जो ट्रायंगल थ्योरी के तहत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जीवन का मूल मंत्र है, जो मेरी नानी भी कहती थी और जितने भी बुजुर्गों से मैं मिला होगा पहले, वो अक्सर कहते थे कि बेटा, आँखों में धूल गई तो साफ दिखाई देने लगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि धूल ये जो चीज़ है, ये हमें बहुत जगह मिलती है ना, बाहर निकलो तो मिलती है। तो सबसे पहले ट्रायंगल थ्योरी में बताऊँ मैं आपको कि वो लोग जो घर से बाहर निकलेंगे, जिसे धूप मिलेगी, वहीं उसे धूल भी नज़र आएगी। वो अर्थ ये है कि अब मैं ज़्यादा समझदार हो गया हूँ क्योंकि मैंने धूप देखा है। पहला। दूसरा, धोखे बहुत सहे। जी हाँ, धोखे बहुत खाए हैं। जी हाँ, एक एक टेस्ट धोखे का भी देख लीजिएगा। जानबूझकर तो धोखा कोई खाता नहीं है, हो जाता है। मान लीजिए अगर वैचारिक रूप से आपका किसी पे मतभेद है और किसी ने वैचारिक रूप से आपको धोखा दिया, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर कोई आपका अपना है और उन अपनों से यदि आपको कोई धोखा हो, तो इमोशनली साइकोलॉजिकली आप थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर पैसे का नुकसान हुआ है और पैसे का धोखा हुआ, तो यकीनन आपको थोड़ा धक्का लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसे कमाए जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं कमाए जा सकते। आपका खुद का तजुर्बा, अनुभव ये ज़रूर बताएगा कि आपने करना क्या चाहिए। मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि धोखा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वरना हम संभलते नहीं हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी ठीक से पहचान नहीं पाते कि हम कितने आसानी से मान लेते हैं। हम भोले हैं क्या, हम चंट है क्या, हम कनिंग है क्या, हम श्रूड है क्या, हम शेर है क्या, या हम बहुत ही सोशल क्रीचर है, वो क्या है, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको समय और अनुभव यही आपको बताएगा। और धोखे आते रहेंगे, नए प्रकार के आएंगे, तो आप नया नया सीखते रहेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक होता है तीसरा जो है, धूल अगर आपके धूप में आ जाए, आप बाहर निकले तो धूल तो आएगी और वो धूप और धूल मिलकर आपको कुछ सिखाएगी। धूल यदि आपके ज़िंदगी में धोखा के रूप में आई, तो भी आपको कुछ सिखाएगी। और तीसरा, धूल यदि आपके ज़िंदगी में धक्का बनकर आई, किसी और ने दिया तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग किसी और के बोला हुआ बड़े मुश्किल से मानते हैं और हमारे लिए बड़ा ईगो आ जाता है बीच में। यानी ईगो एक बहुत बड़ा डेमन है, राक्षस है, और वो राक्षस हमें खाई जाता है। तो ईगो रख लेंगे आप, और धक्के का विषय में अगर किसी ने कहा कि ये कर लो, आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप एक काम करो, आप IIM कर लो ग्रेजुएशन के बाद में, उसकी तैयारी करो। अभी किसी ने कहा कि अरे आप अच्छा, आपका गला अच्छा है, आप गाते हैं तो आप सीख लो, कोई अच्छा वाद्य बजा सकता है, तबले के रूप में अगर टेबल बजा रहा, तो वो कहते हैं अरे एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले लो तबले में। तो वो धक्का जो देने की ज़रूरत है, वो हमेशा नहीं होना चाहिए, एक समय पर आकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस धक्के को, बाहर के धक्के को, स्वयं खुद के धक्के में तब्दील कीजिए। आप खुद अपने आप को पुश कीजिए, ताकि आपको जो चाहिए, आपकी जो समझ है, आपको जो अच्छा करना है लाइफ में, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा कहा गया है और बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छी बात बताई है जो हमें अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए, और उसका अगर हम कुछ भी लाभ उठा सके, तो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बाहर अगर हम कुछ करते हैं और किसी से सीख सकते हैं, तो वो ये है कि धूल जो धूप में मिलती है, धूल जो धोखे में मिलती है, धूल जो धक्के में मिलती है, जी हाँ, इससे यदि आप समझ गए हो, तो अपने आप को कभी भी पहचानिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ही इसे आगे पार कराना है। पार कीजिए। धन्यवाद।